हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दी वैल्यू नॉलेज पे, जहाँ पे हम आपके लिए कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट नॉलेज लेके आते हैं जो आपको आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करता है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, और वो है ज़्यादातर डॉक्टर जो है इंजेक्शन हिप पे ही क्यों देते हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग कभी ना कभी बीमार तो ज़रूर पड़े होंगे और आपने इंजेक्शन तो ज़रूर लगवाया होगा, और आपने ये चीज़ ऑब्जर्व की रहेगी कि ज़्यादातर जो डॉक्टर होते हैं वो इंजेक्शन जो है वो हिप पे देना ही प्रेफर करते हैं। यानी अगर आप उनको बोलते भी हैं कि आपको शोल्डर पे इंजेक्शन चाहिए, फिर भी वो आपको बोलते हैं कि हिप पे ही लगाना पड़ेगा। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, वो आज हम आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों, इंजेक्शन जो होते हैं वो दो टाइप के लगाए जाते हैं। एक तो जब होता है जब आप बीमार पड़ते हो, जो ड्रग इंजेक्शन होता है, और दूसरा होता है वैक्सीन का इंजेक्शन। तो जितने भी ड्रग वाले इंजेक्शन होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो लिक्विड है वो हमारे शरीर में डाला जाता है, और ऐसे इंजेक्शन काफी हेवी होते हैं, और वो इसीलिए हिप पे ही लगाए जाते हैं, क्योंकि इन इंजेक्शन का साइड इफेक्ट होने की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा होती है। और हमारे शोल्डर के पास जो है वो ज्यादातर नर्व सेल्स होते हैं, ब्लड वेसल होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और अगर हम हिप पे इंजेक्शन लगाते हैं तो ये नर्व सेल पे कोई भी रिएक्शन नहीं जाता है और एकदम सेफ रहता है। इसीलिए ज्यादातर जो मेडिकेशन यानी ड्रग के जब हम बीमार पड़ते हैं तब जो भी इंजेक्शन लगाया जाता है वो हमेशा हिप पे लगा जाता है, और वैक्सीन का जो इंजेक्शन होता है वो काफी स्मॉल क्वांटिटी में डाला जाता है, काफी स्मॉल क्वांटिटी में लिक्विड हमारे शरीर में प्रवेश करता है, इसीलिए वो शोल्डर पे देते हैं ताकि उसकी कोई भी रिएक्शन नहीं होती है, वो हमारे नर्व सेल पे जाके उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको डॉक्टर बोलता है कि आपको हिप पे इंजेक्शन लगाना है, तो आप उनको बोलो कि हमें हिप पे ही लगाना है। आप उनको ये कभी मत बोलो कि हमें शोल्डर में लगाओ, क्योंकि थोड़ा सा ऑकवर्ड जरूर लगता है। कुछ लोग जो है वो शर्माते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि हमें शोल्डर पे इंजेक्शन लगाओ, हमारे हिप पे मत लगाओ। लेकिन दोस्तों, इसमें आपका ही नुकसान है, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट हो सकता है आपके नर्व सेल पे, क्योंकि ये जो ड्रग के इंजेक्शन होते हैं ये थोड़े से हेवी होते हैं, ये थोड़े से गाढ़े होते हैं, और ये हमारे ब्लड में जाने के लिए इनको टाइम लगता है, ब्लड सर्कुलेशन होने में इनमें इनको टाइम लगता है। और हिप पे एकदम परफेक्ट स्पॉट होता है जहाँ पे ये इंजेक्शन लगाने पे आपके शरीर में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। इसके अलावा एक रीज़न ये भी है कि आपने देखा होगा कि हमारे जो शोल्डर होते हैं उस पर अगर हम इंजेक्शन लगाते हैं तो काफ़ी टाइम पर वो आप भारीपन महसूस करते हो, आप उससे काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम हिप पे लगाते हो तो आपका हिप जो है वो अच्छे से उसको सस्टेन कर लेता है। तो ये भी एक रीजन है कि जब भी आप इंजेक्शन लगाते हो उसके बाद 2-3 दिन आपको थोड़ा सा भारीपन महसूस होता है उस पर्टिकुलर जगह में। अगर आप हाथ में इंजेक्शन लगाओ तो आप हाथ से काम नहीं कर पाओगे 2-3 दिनों के लिए, और इसकी वजह से आपको ही दिक्कत आ सकती है। तो यही सारे रीजन है जिसके वजह से कोई भी डॉक्टर जो होते हैं वो हिप पे ही इंजेक्शन देना प्रीफर करते हैं और ना ही शोल्डर पे। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप बीमार पड़ते हो और आपको इंजेक्शन लगवाना है तो ये सारी चीजों का आप जरूर ध्यान रखो, क्योंकि आप इसमें आपका ही फायदा है। और ये सारा नॉलेज आप अच्छे से याद करके रखो, क्योंकि हो सकता है कहीं पे आपको एग्जाम या इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। इसके अलावा हमारे चैनल पे हमने आपके साथ बहुत सारा ऐसा वैल्यूबल नॉलेज शेयर किया है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके टेक्नोलॉजी से लेके हेल्थ तक और जीके से लेके करंट अफेयर्स तक बहुत सारी जानकारी देख सकते हो। तो दोस्तों, हमारे वीडियोज रेगुलरली देखते रहो, हमारे वीडियोज को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आपको ऐसी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन घर बैठे मिलती रहेगी, और वो भी एक ही चैनल से। तो ये वीडियो में बस इतना ही था, जल्द मिलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, कुछ और इंटरेस्टिंग नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।